अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी का दिन है, इलेक्शन का दिन है, और ये जो वीडियो है ये कुछ दिन पहले की है। तो आप और हम देख सकते हैं कि कितना रश है रोड पे, और बिल्कुल फालतू में कोई वजह नहीं है। मतलब ऐसे रोड पे जमा होने से कोई भी, मतलब कोई किसी और को वोट देना चाहे और इस तरह वो रश देखेगा रोड पे और उनको वोट दे देगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कहीं होता है, लेकिन बस लोगों को तंग करने वाली बात है। बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए हुए हैं ट्रक्स के ऊपर, और इतने सारे लोग हैं बाहर निकले हुए, सब एक झंडे पकड़ के अपने अपने पार्टी के, और पता नहीं क्यों क्या मिलता है ये सब कुछ करके। एम्बुलेंसेज हैं, वो उसमें लोग हैं, बच्चे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, तो बस अजीब सा एक माहौल है। फिर उसके बाद हम बाहर गए थे बच्चों को लेके, और बहुत लंबे ट्रैफिक के बाद, कुछ बहुत सारे घंटों के बाद ट्रैफिक में बैठ बैठ के हम लोग पहुँचे यहाँ पे बच्चों को लेके, और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और चारों बच्चे माशाल्लाह से बहुत टाइम बाद एक साथ गए हुए थे, क्योंकि जो एज लोग के आन हैं वो गए हुए थे अपनी नानी के घर पे लाहौर, फिर वो लोग वापस आए, तो उन्होंने सारे बच्चों ने मिल के बहुत इन्जॉय किया है। और अच्छे था, नई जगह थी, तो बच्चों ने देखा, बहुत सारी चीज़ें थी, एक्सप्लोर किया, और फिर बस बहुत सारी मम्मा थी वहाँ पे, बहुत लोग थे, और अच्छा दिन गुजरा। और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग है, क्योंकि 2-4 थे माशाल्लाह से बच्चे, और वो बिल्कुल ही एक के ऊपर एक है, मतलब कि वो बिल्कुल बहुत चला के माशाल्लाह से सारे ही बहुत तेज़ हो गए हैं, बड़े हो रहे हैं, तो वो और तंग करना शुरू हो गए हैं, और हर बच्चा इंडिविजुअल अटेंशन मांगता है। तो बहुत एक हैक्टिक दिन था, क्योंकि बच्चों ने बड़ा तंग किया, और लोगों ने बस ये था कि इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, तो बस फिर कोई बात नहीं, मतलब तंग करते हैं या थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन यह है कि बच्चे खुश हो जाते हैं। और फिर बस इनको यहाँ पे घुमाया वुमाया, फिर उसके बाद इनको भूख लगना शुरू हो गई थी थोड़ी देर बाद ही, फिर इन्होंने खाना खाया, पिज़्ज़ा खाया, फिर कुछ फातिमा के वो हैं, फातिमा की फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, वो फातिमा को बहुत पसंद करते हैं, लव करते हैं, तो फातिमा से मिलने आती हैं, उनकी मदर हैं और एक उनकी बेटी हैं, और अभी आप आगे देखेंगे कि वो कौन है। फिर वो आई फातिमा के लिए गिफ्ट्स लेकर आई, और इज़ुल के आन सुल्तान के लिए, सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई। तो बस हमने बैठे बात की, और फिर बस आज के लिए इतना ही, छोटा सा व्लॉग है, और ज़्यादा वॉइस ओवर भी नहीं है, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो आप ये देखें और इन्जॉय करें। थैंक यू। और ये भी बताइएगा कि आपने वोट किसको दिया। मेरा तो वोट इसी का ही है जो सुपरस्टार है, जो पाकिस्तान का सुपरस्टार है, स्पोर्ट्स का सुपरस्टार है, और पॉलिटिक्स का सुपरस्टार है। मेरा वोट सिर्फ उसका है।